हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोगों ने तो लॉक के बारे में सुना ही होगा, जो बहुत सारा लॉक रहता है जिसकी मदद से आपके किसी फाइल या फोटो या वीडियो को आप वहाँ पर सेफ रख सकते हैं। पर आपने कभी सुना होगा कि या कोई टॉर्च के अंदर कुछ भी लॉक करके रख सकता है? अगर नहीं सुना है तो फिर आज देख लो, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने कुछ मोबाइल का जो भी कुछ फोटो वगैरह है या कोई इम्पोर्टेंट फाइल है वो आपके टॉर्च के अंदर लॉक करके रख सकते हो। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन चाहिए जिसकी मदद से आप ये सब कुछ करोगे। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसके अंदर कुछ भी छुपा सकते हो। तो फिर बिना देरी कीजिए शुरू करते हैं। पहले तो आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर देखिए टॉर्च वाला सिंबल आ रहा है। यहाँ पर आप उठा दोगे इसको तो फिर परमिशन मांग रहा है, देखिए, पिक्चर एंड वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। ये ऑन कर दोगे तो आपका मोबाइल का फ्लैश ऑन हो जाएगा। कोई भी यहाँ पर कुछ भी शक नहीं करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रेस करना होगा। ये जो टॉर्च वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको थोड़ी देर प्रेस करके रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपको मीडिया या फोटो को एक्सेस करेगा ये। अलाउ कर दीजिए परमिशन। उसके बाद आपको 4 डिजिट का एक पिन देने के लिए कहेगा। मैं दे देता हूँ। कंफर्म होने के लिए एक और बार देना पड़ेगा। दे दिया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि वीडियो, नोट, ऑडियो या इमेज। मैं एक इमेज रख के आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने पहले से ही एक रखा हुआ था। न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर टैप करिए। न्यू फोल्डर, देखिए एक फोल्डर क्रिएट हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो प्लस वाला जो सिंबल आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करिए। देखिए बहुत सारा यहाँ पर मेरा इमेज शो कर रहा होगा। उसके बाद मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो लॉक वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपका ये जो फोटो है ये मेरा इस फोल्डर के अंदर हाइड हो गया। अब कोई भी मेरे फ़ोन को चेक करेगा तो उसे कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर और कोई भी शक भी नहीं करेगा कि इस टॉर्च वाले एप्लीकेशन के अंदर कोई भी एक सारा कुछ छुपा सकता है। फिर से ओपन करिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर टैप करिए। टैप करने के बाद देखिए पिन देंगे तो ओपन हो जाएगा। देखिए इमेज इमेज पर जाइएगा तो आप यहाँ पर इमेज सिलेक्ट करके रख सकते हैं। अब अगर वीडियो पर जाएंगे तो न्यू फोल्डर यहाँ से वीडियो को आप रख सकते हैं। कोई भी वीडियो रख सकते हैं यहाँ पर आप। तो फिर देखा ये एप्लीकेशन कैसे काम करता है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए मैं बताऊंगा कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आपका नेट ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपके पास एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ पर उसको सर्च करना पड़ेगा, टॉर्च वोल्ट। टॉर्च वोल्ट नाम का ये जो एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा।